पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उमरेठ के पटपड़ा और मोहखेड़े के बीसापुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने किसानों का हाथ और साथ दोनों कभी नहीं छोड़ा, प्रत्येक वर्ग की खुशहाली के लिए दिन रात काम किया ताकि मेरे जिले का भविष्य सुरक्षित रहे। किसानों को संपन्न बनाने की दिशा में मेरा पहला कदम सोयाबीन की क्रांति लाना था। तब लोग मुझे कहते थे इससे क्या होगा, लेकिन बाद में यह पीला सोना कहलाया। अच्छे उत्पादन से अन्नदाता आर्थिक रूप से सक्षम हुआ। मक्का और सोयाबीन के उत्पादन में हमारा जिला अव्वल रहा। इस बल और शक्ति से छिंदवाड़ा में जो हुआ आपके प्यार और विश्वास से हुआ, मुझे याद है। आप यहाँ से नागपुर जाते थे, सौंसर एक बस्ती हुआ करती थी, गोरगांव का नाम निशान नहीं था, सही बात है। और यहाँ से नरसिंहपुर जाओ तो हर्रई कब आया, हर्रई कब गया, पता ही नहीं चलता था। हमारे जिले के 2000 गांव में 480 गांव में बिजली थी। ये चुनौती थी मेरे सामने। मैं दौरा करता था जीप में, कच्ची सड़क, बड़े बड़े गड्ढे, डर लगता था कि जीप पलट ना जाए, तो कभी हम उतर जाते थे। बुजुर्ग हैं, आपको याद होगा हमारा पतालकोट, आप लोग तो पतालकोट आज का जानते हैं, पुराना पतालकोट जहाँ 2.5 घंटे नीचे चलना पड़ता था। वहाँ के लोगों को दुनिया से कोई संबंध नहीं था, केवल नमक के लिए बाहर आते थे, जंगली आम की गुठली को सुखा के अपना आटा बना रहे थे, महुए के पेड़ से शराब और सब्जी बना रहे थे, सीमित कपड़े पहनते थे, वो भी एक छेद वाला था। आज आप पतालकोट जाएं तो वहाँ के बच्चे जीन और टी शर्ट में घूमते हैं। ये है वहाँ, सड़क बनी, स्कूल बना, स्वास्थ्य सुविधा दी। इस प्रकार हमने अपने जिले में 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई।